सो नेक्स्ट टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें सबसे पहली बात है कि मोस्ट ऑफ द मेटल आइंस विच आर हैविंग D8 कॉन्फिग्रेशन दे फॉर्म स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हमारा टाइटल क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो मेटल की रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड बी प्रेजेंट इन D8 कॉन्फिग्रेशन। तो ये बनाती है कौन से कॉम्प्लेक्सेस, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और लाइगेंड कौन सा होता है, दे आर नॉर्मली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जैसे साइनाइड, कार्बोनाइल एटसेट्रा। अब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का जब सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हेन दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होना चाहिए कि ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो ना ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो। नाउ दिस इज अ टेबल जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से D8 मेटल आयन है, जैसे कि रोडियम 1, आयरिडियम, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड 3, इन सब के D8 कॉन्फ़िगरेशन है। पर इन सब में से भी जो सबसे एक्सटेंसिवली स्टडीड मेथड है मेटल है, दैट इज प्लेटिनम 2। तो बहुत ज़्यादा स्टडी इसी की हुई है क्योंकि इसके कम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं, ईजिली बन जाते हैं। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन स्टडी करनी है, दैट वी कैन ऑल्सो कॉल एज लाइगेंड एक्सचेंज, वो ईजिली हो जाता है, राइट। तो जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन बोल रही हूँ, तो व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे हम सीट किसी को ऑफर कर रहे हैं, ऑफर करने का मतलब ये प्लेटिनम के अराउंड 4 क्लोराइड है, तो एक क्लोराइड सीट ऑफर करता है अमोनिया को, राइट। इस मेटल का ना तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए ना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्लेटिनम के अराउंड 4 मॉलिक्यूल थे, लाइगेंड थे, यहाँ पे भी 3 और एक 4 लाइगेंड है, 3 Cl और एक अमाइन, 4 है। सो इन सब्स्टिट्यूशन नीदर द कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर द ऑक्सीडेशन नंबर शुड चेंज। अब ये जो चेंज है, सीट एक्सचेंज है, वो हम कैसे कर सकते हैं। जो सीट चेंज करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, देयर आर 3 डिफरेंट वेज। पहला है ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि पहले आप ऐड करो, तो जब आप मेटल में कोई लाइगेंड ऐड करोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने ये कम्प्लेक्स लिया, इसमें 2 Cl डाले, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लेटिनम 2 है, यहाँ पे प्लेटिनम 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देयर इज अ रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब हमने जो लाइगेंड एंटर करने थे 2 Cl वो डाल दिए, अब हम इनमें से कुछ पुराने लाइगेंड निकालेंगे, तो जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे तो वापस से प्लेटिनम 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेटिनम 2 में। तो पहले क्या हुई, ऑक्सीडेशन क्या करने के बाद, एडिशन करने के बाद, और फिर इस कम्प्लेक्स के हमने क्या की, इसमें से लाइगेंड्स को एलिमिनेट किया, तो मेटल की क्या हुई, रिडक्शन। सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। सेकेंड टाइप है कि हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें, लेकिन मोड क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे ये कम्प्लेक्स है, इसमें क्या है कि जो मर्करी 2 होता है वो कौन सी टाइप का अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन प्लेटिनम कार्बन बॉन्ड। तीसरी है जी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अटैक करने वाला कौन होएगा, न्यूक्लियोफाइल, राइट। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये जो Cl नेगेटिव है वो निकल जाएगा, नेगेटिव ही ऐड हुआ और नेगेटिव ही एलिमिनेट हुआ, तो ओवरऑल नीदर कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर ऑक्सीडेशन नंबर विल चेंज। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन तीनों पाथवेज में से जो फर्स्ट 2 पाथवेज हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और ये जो पाथवे है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे चैप्टर में फर्दर ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया जाएगा।